दोस्तों, गेमिंग इंडस्ट्री में मोनोपोली रखने वाला स्टॉक नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके 10% होल्डिंग्स बिग बुल राकेश झुनझुनवाला होल्ड करते हैं, जो कि अब उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला के नाम पर है। एक्चुअली इस वीडियो के लिए हमें हमारे एक सब्सक्राइबर सजन कुमार ने रिक्वेस्ट किए थे। अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। बेसिकली आज हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, ये कंपनी क्या करती है, इसकी फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, प्रोस एंड कॉन्स, फिर आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक में आपको एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आपने पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो अब आपको क्या करना चाहिए। हर एक चीज़ आज हम आपको सिंप्लीफाई करके समझाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और ऐसे क्वालिटी एंड नॉलेजफुल कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया के एक डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी 8 दिसंबर 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके कुछ पॉपुलर गेम्स में किडोपिया, नॉडविन, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, कैरम क्लास, स्पोर्ट्स क्रीड़ा, हाला प्ले, क्वानामी, एनिमल जाम, क्लासिक रमी एंड और भी बहुत सारे गेम्स हैं। एशिया के अलावा अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका में भी इस कंपनी की प्रेजेंस है। लगभग 58 कंट्रीज में ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इस कंपनी की बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है और गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसका बेनिफिट इस कंपनी को मिल सकता है। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो पब्लिक 64.41% स्टेक्स, प्रमोटर्स 19.14% स्टेक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 10.15% स्टेक्स एंड रेस्ट 6.31% स्टेक्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं। और इस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिस्ट में ICICI प्रोडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड एंड आदित्य बिरला शामिल है। और इस पब्लिक के लिस्ट में सेकेंड नंबर पर राकेश झुनझुनवाला का नाम है, जो कि अब उनके वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। तो इस स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग्स बहुत ही लो है। इसके नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो 2018 में नेगेटिव, 2019 में 2 करोड़ 22 लाख रुपीस, 2020 में 6 करोड़ 97 लाख रुपीस, 2021 में सिर्फ 80 लाख रुपीस एंड 2022 में नेगेटिव है, यानी इसकी प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं है। एक साल कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो एक साल कंपनी लॉस बुक कर रही है। इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 3238 करोड़ रुपीस है, यानी ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस 489 रुपीस है और ये स्टॉक अपनी हाई से 50% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इसकी स्टॉक पीई इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में बहुत हाई है। ROC सिर्फ 8.11% एंड ROE 3.26% है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। इस कंपनी के ऊपर 19 करोड़ 10 लाख रुपीस तक के डेट है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट 61 करोड़ 20 लाख रुपीस है एंड कंपनी के पास 50 करोड़ 70 लाख रुपीस तक के फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी जब चाहे तब अपनी डेट इजीली क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेट फ्री स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। इसकी डेट टू इक्विटी 0.02 है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंपनी डेट फ्री है एंड PEG रेशियो 0.03% है। इसकी वीकनेस की बात करें तो लास्ट 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी -0.75% है, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ -347.92% है, लास्ट 3 साल के इनकम ग्रोथ -22.28% है, लास्ट 3 साल के ROCE -0.50% है एंड ये कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद भी डिविडेंड नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, यानी गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में बहुत सारे कमियां हैं, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग लो है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, सेल्स ग्रोथ नहीं है, ROE एंड ROCE बहुत ही कम है, स्टॉक PE भी इंडस्ट्री PE के कंपैरिजन में बहुत हाई है। यानी सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इस कंपनी के ना के बराबर पॉजिटिव पॉइंट्स है एंड नेगेटिव पॉइंट्स भरा पड़ा है। और अगर आप राकेश झुनझुनवाला को देखकर इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग सिर्फ 322 करोड़ 15 लाख रुपीज का है और उनकी टोटल नेटवर्थ 46,000 करोड़ रुपीज का है। यानी इस कंपनी की तरह 100 और स्टॉक्स भी डूब जाए तो उनके लाइफ में उतना कुछ इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो 322 करोड़ रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी की करंट वैल्यू है। उन्होंने बहुत पहले जब स्टॉक सस्ते प्राइस पर था तब बाय किए थे, इसीलिए मेरे हिसाब से फिलहाल आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए।
या फिर अगर आप हैवी रिस्क लेने के लिए रेडी है तो आप अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 2-3% स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहले से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है तो स्टॉक को लॉस में बिल्कुल भी सेल मत कीजिए। अभी इसके और कुछ शेयर्स बाय करके एक एवरेज बना लीजिए और मिनिमम 5 साल के लिए भूल जाइए कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। होपफुली 5 साल में स्टॉक का फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स अच्छा हो जाएगा एंड आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। मैं तो पर्सनली ऐसे स्टॉक से दूर रहना पसंद करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।